अभी कुछ ही महीने पहले सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में, रेडियो पे, टीवी पे एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया गया था, जिसमें देखा गया था कि एक नई दवाई जिसको जेंपर्ली या डॉस्टार्ली में बोलते हैं, उसके बारे में एक स्टडी को ऐसे बताया गया था कि 18 पेशेंट्स को ये दवाई दी और बिना ऑपरेशन के जड़ से इलाज हो गया और हर कैंसर का नया रामबाण है। तो दोस्तों, आज इस ड्रग का हाइप और रियलिटी के बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे कि एक्चुअली इस दवाई का कितना फायदा है, कितना नुकसान है और क्या हर कैंसर पेशेंट ये ड्रग यूज कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली और मैं दिल्ली में स्थित कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉस्टार्लिमैब या जेंपर्ली नाम के ड्रग के बारे में और इस ड्रग की जो स्टडी है उसकी रियलिटी के बारे में बात करेंगे और क्या हर कैंसर पेशेंट को इस ड्रग से फायदा है या नहीं, किस पेशेंट को ड्रग लेना चाहिए और क्या ऑप्शन है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जो स्टडी थी वो एक्चुअली हुई क्या थी। तो दोस्तों, जेंपर्ली एक इम्यूनोथेरेपी ड्रग है जो कि जब बॉडी को दिया जाता है तो वो इम्यून सिस्टम को ट्यूमर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है और उन ट्यूमर को किल करने में हेल्प करता है। तो इस स्टडी में जो पब्लिश हुई थी रिसेंटली, उन्होंने 18 पेशेंट लिए जिनको रेक्टल यानी बड़ी आंत का कैंसर है और उन्होंने सिर्फ वही 18 पेशेंट लिए जिन्होंने एक स्पेशल जेनेटिक म्यूटेशन है जिसको MSI बोलते हैं, जो कि माइक्रोसैटेलाइट इनस्टेबिलिटी नाम की जीन डिफेक्ट होता है। तो दोस्तों, MSI नाम की म्यूटेशन की एक स्पेशल फीचर है कि जिन पेशेंट को यह म्यूटेशन होती है उन पेशेंट के ट्यूमर इम्यूनोथेरेपी से हाईली सेंसिटिव होते हैं कि उनको जरा से इम्यूनोथेरेपी दो और उसमें बहुत ही ग्रेटिफाइंग और रैपिड रिजल्ट मिलता है। तो उन्होंने सिर्फ यही 18 पेशेंट लिए थे और उन्हें ये इम्यूनोथेरेपी वाली दवाई दी थी, जिन्होंने फाइंड किया कि कुछ टाइम बाद जब उन्होंने चेक किया तो 18 के 18 पेशेंट का ट्यूमर पूरी तरह गायब हो गया था और फॉलोअप पे बीमारी वापस नहीं आई। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि न्यूज मीडिया में वाइड स्प्रेड इसका कवरेज और पब्लिकेशन हुआ और काफी हाइप भी इस चीज को किया गया। तो दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो रिजल्ट इस स्टडी में पाया गया है क्या यही रिजल्ट हर कैंसर पेशेंट पा सकता है, नहीं पा सकता। तो मैं आपको एक पॉइंट पुट फॉरवर्ड करना चाहता हूं कि इसका आंसर एक्चुअली नो है। रीजन ये है कि इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका हर कैंसर में अलग तरह का रिजल्ट है। लंग कैंसर में अलग रिजल्ट है, कॉलन कैंसर में अलग रिजल्ट है, ब्लैडर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हर कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का अलग रिजल्ट है। और नंबर वन, इम्यूनोथेरेपी हर कैंसर में काम नहीं करती। नंबर टू, जो म्यूटेशन MSI है जो कि इम्यूनोथेरेपी से हाईली सेंसिटिव है, वो सिर्फ 1-2% कैंसर पेशेंट में ही पाई जाती है। तो यदि आप ये जानना चाहते हो कि इस स्टडी में सिर्फ 18 पेशेंट ही क्यों थे, उसका रीजन ये है कि MSI पॉजिटिव पेशेंट बहुत ही कम होते हैं। तो ऑलरेडी MSI एक नॉन पैरामीटर है जो पॉइंट आउट करता है कि बीमारी हाईली इम्यून सेंसिटिव है और जिन पेशेंट के ट्यूमर में MSI पाया जाता है उन्हें ऑलरेडी आज के डेट में हम इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट करते हैं। इन्होंने बस एक सिलेक्टेड पॉपुलेशन को जो कि हाईली सेंसिटिव है एक हाईली इफेक्टिव ड्रग से ट्रीट किया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टडी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और साइंस का एडवांसमेंट है, क्योंकि इस स्टडी में ये डेमोंस्ट्रेट किया है कि रेक्टल कैंसर पेशेंट जिनमें MSI है उन्हें इस दवाई देके बिना सर्जरी के ट्रीट किया जा सकता है। बट ये इस तरह का साइंस का एडवांसमेंट नहीं है जिस तरह से इसको हाइप किया गया है। हाइप में ये किया गया है कि हर कैंसर का यह रामबाण और यह दवाई पेशेंट को चढ़ा दो और हर कैंसर ठीक हो जाएगा, ये एब्सोल्युटली फॉल्स है। इम्यूनोथेरेपी का एक इंपॉर्टेंट रोल है कैंसर ट्रीटमेंट में जो सिर्फ सिलेक्टेड पॉपुलेशन में सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स का है, हर कैंसर पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी इक्वली इफेक्टिव नहीं है। तो नेवरदलेस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट से पूछते हैं, जब स्टडी पब्लिश हुई थी तो ऑलमोस्ट 100-200 पेशेंट्स का मेरे को फोन आया था कि ये दवाई मैं कैसे अरेंज करूँ और क्या मेरे कैंसर में यूज कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जेंपर्ली कोई यूनिक ड्रग नहीं है। जेंपर्ली एक PD-1 पाथवे इनहिबिटर है और इसी क्लास के 5 ड्रग्स हमारे कंट्री में ऑलरेडी अवेलेबल है, पेम्ब्रोलिजुमैब, निवोलुमैब, एवेलुमैब, डोरवालुमैब और एटीजोलिजुमैब। तो ये 5 ड्रग भी PD-1 इनहिबिटर है और ये जेंपर्ली जैसा ही और उसके जितना ही काम करते हैं। तो यदि किसी भी इंडियन पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी ड्रग की जरूरत भी है तो इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट ऐसा जरूरत नहीं है कि उसको US से जेंपर्ली ही इम्पोर्ट करना है, वो इंडिया में ऑलरेडी इन ड्रग्स को एक्सेस कर सकता है। जेंपर्ली US से इम्पोर्ट करना है कॉस्टली प्रोसेस है और महीने का खर्चा उसका करीबन 6-8 लाख का है। ऑन दी अदर हैंड, इंडिया में यदि हम इंडियन ड्रग्स यूज करें तो इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स को ऑल द वे फ्रॉम एज चीप एज 20,000 to 40,000 पर मंथ पे भी
पेशेंट एक्सेस करके काफी चीपली सेम ट्रीटमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई जिम्परली का मेन इस्तेमाल, यदि हम जिम्परली या कोई भी इम्यूनोथेरेपी ड्रग को यूज करें तो उसका मेन इस्तेमाल किस पेशेंट में करना चाहिए। तो इसका आंसर बड़ा क्लियर है, यदि हम इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स यूज करना चाहते हैं तो ब्लाइंडली हर कैंसर में ड्रग्स को यूज नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनोथेरेपी में तीनों चीजें देखी जाए, पेशेंट का ट्यूमर इम्यूनोसेंसिटिव है या नहीं, पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी के साथ क्या क्या दवाइयां और क्या क्या डाइट, क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करना ताकि इम्यूनोथेरेपी ठीक से ट्यूमर में काम करेगी या नहीं करेगी, और पेशेंट की बॉडी का फिटनेस लेवल और हेल्थ लेवल कैसा है कि इम्यूनोथेरेपी उसके लिए राइट ट्रीटमेंट रिस्क बेनिफिट रेशियो अकॉर्डिंग है या नहीं है। ओनली ये तीन चीजें देख के इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लाइंडली किसी भी पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी यूज करोगे तो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ राइट पेशेंट, राइट ट्यूमर, राइट ट्रीटमेंट से ही कैंसर के ट्रीटमेंट का बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कैंसर पेशेंट इस तरह के ट्रीटमेंट की तरफ जाने से पहले अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से केयरफुली डिस्कस करे कि ये ट्रीटमेंट उसके लिए राइट है या नहीं। तो आई होप इससे आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी कि जिम्परली या डोस्टानलिमैब ड्रग का एक्चुअली आज के डेट में क्या रोल है। इनफैक्ट कई डॉक्टर्स का यह मानना है कि जो कंपनी ने यह ड्रग बनाया है जिसको जीएसके या ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन बोलते हैं, उसने शायद मीडिया में हाइप करने के लिए अपने कुछ एड नेटवर्क को एक्टिवेट किया है या सोशल मीडिया नेटवर्क को एक्टिवेट किया है ताकि स्टडी को ज्यादा से ज्यादा हाइप किया जाए और ड्रग का बस बने ताकि उनकी सेल्स बढ़े। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट पेशेंट राइट ड्रग की कॉन्सेप्ट ही रहे और पेशेंट समझे कि हर पेशेंट के लिए ड्रग बेस्ट नहीं है, केयरफुली सिलेक्टेड पेशेंट में इन ड्रग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो से आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक्स या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और यदि आप इंडिया में कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी और जागरूक रहना चाहते हैं और वर्ल्ड के लेटेस्ट ट्रीटमेंट एडवांसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।